प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बर्लिन में हैं। देखिए किस तरीके से भारतीय समुदाय जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने खड़ा हुआ है उनके इंतजार में, क्योंकि 1800 लोगों की ही कैपेसिटी थी, वो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया है, उनके अभिवादन को स्वीकार किया है नमस्कार के साथ। और खास तौर पर ये जो महाराष्ट्र की पहचान वाला ढोल है उनके साथ भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देखिए ये ढोल जो यहाँ रखा हुआ है, ढोल के साथ लय में लय मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर ये ढोल बजाने की कोशिश है। और इस ढोल पर लिखा हुआ है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही बल है। और इस एकता को दिखाने की कोशिश भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों की, खास तौर पर भारतीय समुदाय जो जर्मनी में मौजूद है उसकी जो छटा है वो आज जर्मनी में बर्लिन में देखने को मिली। और आप देखें इस लय के साथ जो भारत की लय कही जा सकती है, किस तरीके से एक सिंक्रोनाइज ढोल की थाम के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री भी ताल में ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के इस खास ढोल ताशे की लय के साथ में, नगाड़ों के साथ में आप देखें प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस चीज की जो खुशी थी वो भी देखी जा सकती है। न केवल एक कामयाब दौरे के बाद बल्कि जिस तरीके से भारतीय समुदाय के साथ जो उनका स्वागत मिला, जिस गर्मजोशी के साथ भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया है, उस स्वागत से भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, रोमांचित महसूस कर रहे हैं। और अब इंतजार है इस कांग्रेस में होने वाले प्रधानमंत्री के उस भाषण का जिसमें वो कम्युनिटी को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस भाषण का, उनके इस भाषण का इंतजार किया जा रहा है बहुत देर से। और इस तरीके से ये जो जयघोष है, इस जयघोष का जो ढोल है वो अब भी बज रहा है यहाँ पर। और इस जयघोष के ढोल के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ABP News आपको रखे आगे।